जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण उमा संहिता खंड का 17वां अध्याय जम्बूद्वीप वर्ष का वर्णन सुना रही हूँ। सुनी संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं सातों द्वीपों के साथ भूमंडल का विस्तार सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुने। जम्बू, प्लक्षु, सालमनी, पुस, क्रोंच, साक, पुष्कर, ये सात महाद्वीप हैं। इनके चारों ओर सात समुद्र लहरा रहे हैं। ये ही क्रमशः शीर, जल, ईख, केसर, मग, घृत, दूध, दधि एवं मधु से पूर्ण हैं। जम्बूद्वीप तथा प्लक्ष आदि छह द्वीपों के मध्य में है। इसके मध्य सौरन का सुमेरु पर्वत है। यह पर्वत 64 कोस नीचे तक चला गया है और 336 कोस तक ऊंचा है। 128 कोस शिखरों का विस्तार है और नीचे मूल में 64,000 कोस का विस्तार है। इसके दक्षिण की ओर निषाद, हिमाचल, हेमकूट नामक तीन पर्वत हैं। ये सभी पर्वत 40,000 कोस से विस्तार में 40,000 कोस ऊंचे भी हैं। 40,000 के कोस के विस्तार वाला भारतवर्ष है। पुरुष एवं मरु के दक्षिण में हरिवर्ष है, उत्तर में रमणीक है, उसके पास ही हिरणमय है। उधर की ओर भारत के समान कुरव देश है। ये सभी 9,000 योजन के प्रमाण में है। उनके मध्य में इलाहावर्त है, उसी के मध्य में मेरु पर्वत 9,000 योजन अर्थात 36,000 कोस ऊंचा स्थित है। इसके पूर्व में मंदिर, दक्षिण में मंद मादन, पश्चिम में विपुल एवं उत्तर में पुषाशरु, ये चारों पर्वत शिखरों की भांति इलावर्त के साथ मेरु में मिल रहे हैं। इनके ऊपर कदम्ब, जामुन, पीपल, बड़ आदि वृक्ष पर्वतों की ध्वजा के समान 1100 योजन अर्थात 4,400 कोस के विस्तार में है। जम्बूद्वीप में जाम के पेड़ों से हाथी के समान फल गिरते हैं। उसका रस निकाल कर धारा रूप से पर्वत के चारों ओर बहता है, वही जम्बू नदी कहलाती है। यहाँ के निवासी वही जल पिया करते हैं। मेरु के पूर्व में भद्राशव, पश्चिम में केतुमाल देश है। इन दोनों के मध्य इलावर्त देश है। पूर्व में चैत्र रथ वन है, दक्षिण में मंद मादन है, पश्चिम में विभ्राजय है, उत्तर में नंदन वन है। अरुणोदय महाभद्र, शीतोद एवं मानस से चार सरोवर भी है। मेरु से पूर्व में सीताजन है, मेरु से पूर्व में सीताजन कुरवत्ता माल्यवान पर्वत है, दक्षिण में चित्रकूट शिखर, पलंग, रुचक, निषाद, कपिल आदि है, पश्चिम में श्रीनिवास, कुसुम, कपिल, नारद, नाग आदि है, उत्तर में शंखचूड़, ऋषि, हंस, कालचरा आदि केसराचल पर्वत है। सुमेरु के शिखर पर ब्रह्मा जी की 14,000 लंबी चौड़ी शांत कोपुरी है। इसके पास ही चारों ओर इंद्र, अग्नि आदि लोकपालों की अमरावती, तेजोस्वती, शयमनी, कृष्णगन्ना, श्रद्धावती, गंधवती, यशोवती नामक 8 पुरी है। ब्रह्मा जी की पुरी के बीच में विष्णु के
चरणा विंदो में प्रकट हुई परम पावनी गंगा नदी चंद्र मंडल को भेद कर गिरती है। वही गंगा जी गिर कर सीता अलकनंदा चक्षु एवं भद्र नाम से चार धाराओं में विभक्त होकर दिशाओं में बहती है। सीता ब्रह्मलोक से पूर्व में पर्वतों से मिलकर फिर समुद्र में जा मिलती है। अलकनंदा दक्षिण से समुद्र में मिलती है। चक्षु पश्चिम से तथा भद्रा उत्तर की ओर पर्वतों से होती हुई महासागर में जाकर गिरती है। सुनील निपद माल्यवान गंधमादन ये चार पर्वत सुमेरु के चारों तरफ कलियों की भांति खड़े हैं एवं लोकपदम भारत केतु माल भद्राशच कुवश मर्यादा लोक पर्वत पत्तों की भांति खड़े हैं। दक्षिण एवं उत्तर के विस्तार में देवकूट पर्वत मध्य तथा पूर्व पश्चिम की ओर गंधमादन कैलाश कली की भांति स्थिर है। यहाँ पर केवल धर्मात्मा पुरुष ही जाकर रहते हैं, पापी नहीं जा सकते। किम्ब पुरुष आदि आठ देशों में निवास करने सभी पुरुषों को रोग शोक भूख आदि कुछ भी व्याकुल नहीं कर सकते। वे लोग निरोगी निशंक होकर सभी कष्टों से विमुख सतयुग त्रेता की भांति 12,000 वर्ष की आयु वाले होते हैं। 17वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 18वां अध्याय सातों दीपों का वर्ण। सुनी जम्बू द्वीप यह भारत वर्ष है। हिमालय में दक्षिण की ओर समुद्र से उत्तर की ओर 9,000 योजन के प्रमाण का है। इसे कर्म भूमि कहते हैं। यहाँ बुरे भले अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य नरक के व्या स्वर्ग फल पाता है। उस भारत वर्ष के 9 खंड है। इंद्रदुमन कसेरु ताम्रवर्ण गभशीत मान नाग दीप सौम्य गंधर्व वारुण यह 8 खंड है। इसके अतिरिक्त सागर से निकले हुए हजारों योजन तक दक्षिण से उत्तर की तरफ विस्तार वाला नवम भारत खंड है। इसी के पूर्व की तरफ कितार दक्षिण में यवन एवं उत्तर ऋषि मुनियों का निवास है। इसके मध्य में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण के लोग रहते हैं, जो युद्ध में कुशल व्यापार सेवा आदि में चतुर हैं। यही मल्ल महेंद्र सरहा सुदामा वृक्ष विंध्याचल पारियात्र नाम के 7 पर्वत हैं। इनमें से पारियात्र में ये वेद स्मृति पुराण आदि सद ग्रंथ प्रकट हुए हैं, जिनमें सभी पापों का नाश होता है। विंध्याचल से सुगंधा नर्मदा आदि 7 नदियाँ निकाल कर सभी पापों का नाश करती हैं। इनके अतिरिक्त और भी बड़ी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती रहती है। रेक्ष पर्वत से सर्व पापों की नाशक गोदावरी भीमरती ताप्ती आदि नदियाँ बहती है। सरहा पर्वत से कृष्णा वेनी आदि नदियाँ एवं मल्याचल से कृतमाला ताम्रपणी आदि महेंद्र पर्वत से त्रिमाला ऋषि कुल्या कुमारी आदि नदियाँ चलती है। इनके तटों पर बहुत से नगर ग्राम है। यहाँ के निवासी इन नदियों तथा अन्य तालाबों का जल पिया करते हैं। प्लाक्ष द्वीप यह द्वीप शार समुद्र से घिरा हुआ 100,000 योजन के विस्तार में है। इस द्वीप में गोमते चंद्र नारद दुर्दुर सोनक सुमन वैभ्राज नामक पर्वत है। अनुतप्त शिखी
पापग्नि त्रिदिवी कृपया अमृता शुक्रभा नामक सात नदियां हैं। उनके अतिरिक्त और भी अनेकों नदियां हैं। यहां के मनोहर पर्वत के मध्य में चारों ओर देवता गंधर्व एवं अन्य भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि जातियां निवास करती हैं। यह देश सदा त्रेता युग के समान प्रभाव रखता है। यहां की प्रजा उपरोक्त नदियों का जल पीती है। इसी द्वीप में सब लोगों के हित के लिए सदा शिव का ब्रह्म विष्णु आदि देवता वेद मंत्र द्वारा पूजन किया करते हैं। शाशमली द्वीप, यह द्वीप प्लाक्स से दुगुना माना गया है। इसे मदिरा का सागर लपेटे हुए है। इसके मध्य में सेमल का बड़ा सा वृक्ष है। इसी कारण इसका नाम शालमली है। यहाँ श्वेत हरित जीमूत रोहित बैकल मानस सुप्रभु नामक सात वृक्ष है और शुक्ला रक्ता हिरण्य चंद्रा शुभ्रा विमोचना निवृता नामक शीतल जल वाली नदियाँ बहती है। कुश द्वीप मदिरा सागर से बाहर इससे दुगुना घृत समुद्र से घिरा हुआ कश समूहों से संयुक्त यह द्वीप है। यहाँ कुशेश्य हरि भूतिमान पुष्पमान मणि द्रुंग हेम शैल्य एवं मंदराचल ये सात पर्वत है तथा गुतिमान शिवा पवित्रा सम्मिति विद्या दम्बा मही महानदी आदि इसके अतिरिक्त सोने के समान वालू वाली निर्मल जल अन्य भी हजारों नदियां हैं। मानव दानव दैत्य देवता गंधर्व यक्ष केव पुरुष आदि अपने अपने काम में लगे हुए ब्रह्मा विष्णु एवं शिव जी का पूजन किया करते हैं। क्रोंच द्वीप गुरुत्वाकर्षण समुद्र से बाहर इससे भी दुगुना विस्तार युक्त दधी समुद्र से घिरा हुआ ही यह द्वीप है। यहाँ पर क्रोंच वामन अंश कारक दिव्य वृत्ति मन पुंडरिक दुंदबी नामक पर्वत है। गौरी कुमुदती संध्या रात्रि मनोजव्वा शांति पुंडरिक नामक सात महानदियां तथा और भी स्वच्छ जला हजारों नदियां बहा करती है। शाकद्वीप दधि समुद्र से बाहर ऐसे देवगुण विस्तार वाले दुग्ध सागर से घिरा हुआ शाकद्वीप है। यहाँ शाक का बड़ा वृक्ष है। उदयाचल अस्ताचल जलधार अविवेक केसरी आदि पर्वत है। सुकुमारी कुमारी नलिनी वेणु तथा इशु रेणु का गबस्तिक नामक महानदियां तथा अन्य भी छोटी बड़ी हजारों नदियां हैं तथा छोटे बड़े और भी अनेकों पर्वत हैं। यहाँ के रणमिक स्थलों में चारों वर्ण रहते हैं। स्वर्णवासी लोग भी यहाँ आकर भ्रमण करते रहते हैं। पुष्कर द्वीप शीर समुद्र से बाहर ऐसे दुगने प्रमाण के मधुर जल वाले सागर से यह घिरा रहता है। इसका मध्य प्रदेश 5000 योजन की ऊंचाई एवं 5,00,000 योजन की गोलाई का विस्तार रखता है। यहाँ मानस नामक पर्वत है। यहाँ जरा यानी बुढ़ापा रोग साक राग द्वेष अधर्म मृत्यु बंधन आदि कुछ भी नहीं व्यापते। यहाँ के निवासी सत्य वक्ता 10,000 वर्ष की आयु वाले सोने के समान दमकते हुए सुख आनंद से रहते हैं और इसी द्वीप के महावीर
घातक नामक खंड में प्रजापति ब्रह्मा रहते हैं। देव दानव आदि सदा इनको पूजते रहते हैं। इसी द्वीप के रहने वालों को समय अनुसार स्वयं ही भोजन मिल जाया करता है। इसके लिए इन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ता। इससे आगे मनुष्य के रहने योग्य कोई लोक नहीं, जहां कोई भी प्राणी नहीं जा सकता। इस प्रकार की सोने की पृथ्वी है। 18वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 19वां अध्याय राशि ग्रह मंडल एवं लोकों का वर्णन, यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।